हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष एक हिस्ट्री के स्पेशल टॉपिक के साथ। किस लिए? यूपीपीसीएस 2023 को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो चलिए देखते हैं, और भी आप लोग के लिए टॉपिक्स हो रही हैं स्पेशल टॉपिक्स, तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो देखते हैं सिद्धार्थ के बारे में। किसके बारे में? सिद्धार्थ के बारे में। इनका अन्य नाम क्या है? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध, या इनके बचपन का नाम है गौतम। ठीक है, माता इनकी के माता का क्या नाम है? महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी, और पिता सुद्धोधन, ये शाक्य थे। और इनका जन्म कब हुआ था? ये 563 ईस्वी पूर्व कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जो लालन पालन किया था, किसने किया था? गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी, और विवाह इनकी 16 वर्ष की आयु में हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से। ठीक है, यशोधरा से हुआ था, और इनका एक पुत्र भी था, क्या नाम था? राहुल। और इन्होंने गृह त्याग कब किया था, यानी घर कब छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में, और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में हुई थी। तो चलिए देखते हैं डिटेल में, इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आ जाते हैं। पहले बुद्ध के बैरागी होने के उत्तरदायी 4 दृष्टियों का क्रम था, यानी बैरागी मतलब इन्होंने अपना गृह त्याग किया। किस लिए, क्यों किया था? इन्होंने 4 दृश्य घूमा था, क्योंकि जब इन्होंने अपने राज्य में भ्रमण किया था तो उनको 4 दृश्य दिखाई दिया था, एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसंचित सन्यासी। ठीक है, तो इन्होंने ये 4 दृश्य देखकर इन्होंने गृह त्याग किया था, और गृह त्याग के बाद इन्होंने सर्वप्रथम मुलाकात किससे की थी? सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से। ठीक है, अलार कलाम से कहां पर? वैशाली के समीप किया था मुलाकात, और जो कि राजगृह के निकट इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात की थी। और नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, कहां? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम तो महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण के बारे में, तो कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में, यानी जब इनकी मृत्यु हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इन्होंने शरीर का त्याग किया था कब? 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इन्होंने शरीर का त्याग किया था, और अंतिम समय में इन्होंने अपना कहां बिताया? अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली पावा में चुंदू ने सुकर मद खिलाया। ठीक है, यानी सुअर का मांस खिलाया, और कुशीनगर में इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, तो उसमें क्या क्या है? प्रज्ञा। ठीक है, एक प्रज्ञा है, एक शील है, और एक समाधि। ठीक है, प्रज्ञा, शील, समाधि। तो प्रज्ञा में क्या है साथियों? सम्यक दृष्टि। ठीक है, प्रज्ञा में क्या है? सम्यक दृष्टि, और क्या है? सम्यक वाक। ठीक है, वाक, और सम्यक संकल्प, और शील में क्या है? सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, और समाधि में क्या है? समाधि में है सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं बुद्ध जी के, और आगे देखते हैं, और कुछ परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? भिक्षु भिक्षुड़ी। ठीक है, भिक्षु भिक्षुड़ी तथा उपासक उपासिकाएं। ठीक है, इन दोनों को कहा जाता था, 2 वर्ग जो बटे थे। और क्या था? लाइट के एशिया के ज्योतिपुंज, यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाना जाता था? ये जाना जाता है गौतम बुद्ध जाने जाते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, और गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी एडविन अर्नाल्ड। ठीक है, एडविन अर्नाल्ड के द्वारा लिखा गया था। और हीनयान 2 धर्मों में विभक्त हुआ था ना, हीनयान और महायान। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। ठीक है, निम्न मार्ग। और महायान का शाब्दिक अर्थ
उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है ध्यान रखिएगा। और क्या है, बुद्ध अपने मत को कहते थे, क्या कहते थे, मध्यमा प्रतिपदा, मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम वर्ग, ठीक है मध्यम वर्ग। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है इनके जो घटना था, घटना और उसका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। जैसे इन्होंने जन्म के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल एवं सांड, ठीक है कमल एवं सांड। और गृह त्याग, गृह त्याग को क्या क्या था इनका प्रतीक, घोड़ा था, ठीक है घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान, ज्ञान इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे, तो उसे बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है बोधि वृक्ष। और निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उसका पद चिन्ह, ठीक है चिन्ह जो था पद चिन्ह यानी पैरों के चिन्ह। और मृत्यु ये स्तूप, ठीक है स्तूप। नेक्स्ट देखते हैं त्रिरत्न क्या थे इनके, त्रिरत्नों में ये बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है ये त्रिरत्न थे, तीन रत्न। और जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उसे क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। और जो गृह त्याग किया था उस घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है तो याद रखिएगा। और त्रिपिटक जो इनका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ त्रिपिटक, जो कि किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है पाली भाषा में। और जो जैन धर्म का ग्रंथ था वो किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में, ठीक है प्राकृत भाषा में। तो देखिएगा प्रथम क्या है, विनय पिटक, इसमें क्या है, विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम है, ठीक है जो बौद्ध धर्म के संघ थे उससे उससे संबंधित जो जो नियम थे वो इसमें विनय पिटक में थे। और सुत पिटक में क्या थे, सुत पिटक में थे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी इन्होंने जितने उपदेश दिए थे उसका संकलन इस सुत पिटक में हुआ था। और अभिधम्म पिटक में क्या था, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत इन्होंने दिया था तो वो इसमें संकलित किया गया था अभिधम्म पिटक में। और क्या है, और शिक्षा का केंद्र, ठीक है तो देखिएगा बौद्ध बुद्ध के समय में शिक्षा केंद्र कहां पर था, एक नालंदा था, ठीक है नालंदा। इसकी स्थापना कुमार गुप्त द्वारा करवाई गई थी, ठीक है कुमार गुप्त। और एक बल्लभी में थी, ठीक है बल्लभी और एक विक्रमशिला, यही तीन शिक्षा के केंद्र उस समय विश्व प्रसिद्ध थे। और विक्रमशिला की निर्माण किसने कराया था, ये इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये कुछ शब्द हैं बौद्ध धर्म में और उसके अर्थ दिए गए हैं। जैसे चैत्य का अर्थ होता क्या होता है, महापुरुषों के धातुओं से सुरक्षित रखने वाली समाधि को चैत्य कहते हैं। और बिहार, बिहार किसे कहते हैं, बिहार भिक्षुओं का जो आवास होता था उसे बिहार कहा जाता था, जिसे बौद्ध बिहार कह सकते हैं। और स्तूप, स्तूप, स्तूप में क्या होता था, मृतक की चुनी हुई अस्थियों की यानी कुछ अस्थियों को रखने का स्थान था, जिसे स्तूप कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं, बौद्ध संगीतियां उन्हें हम देखते हैं, ठीक है बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये 483 ईस्वी पूर्व यानी इनके मृत्यु के पश्चात ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और कहां पर हुआ था, राजगृह, ठीक है राजगृह में हुआ था, ठीक है राजगृह में सप्तकर्णी गुफा, ठीक है राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। और अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष महाकश्यप, ठीक है महाकश्यप या महाकश्यप कह सकते हैं। और उस समय किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु, ठीक है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है अजातशत्रु। और दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति ये कब हुआ था, इसके 100 साल बाद, ठीक है 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, ठीक है 383 ईसा पूर्व। कहां पर, ये वैशाली के बालुकाराम बिहार में हुआ था, ठीक है बालुकाराम बिहार में हुआ था वैशाली के। और अध्यक्ष कौन था, शुभकामी, ठीक है शुभकामी या साबक मीर, ठीक है साबक मीर जिसे सर्वकामनी कह सकते हैं। और किसके शासनकाल में, कालाशोक, ठीक है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति ये देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति ये 247 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है 247 ईसा पूर्व। और कहां पर, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है पाटलिपुत्र में। और किसके अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र तिस्स के, ठीक है मोगलीपुत्र तिस्स के।
और शासक कौन था? अशोक के शासन में हुआ था। और लास्ट हम देखते हैं चतुर्थ, ठीक है, क्योंकि चार संगीतियां हुई थी तो चतुर्थ क्या है, ये प्रथम शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था और कहां पर? कुंडलवन, कुंडलवन कहां पर? कश्मीर में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? अध्यक्ष इसे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष, और शासक कौन था? ये कनिष्क, ठीक है, कनिष्क शासक था। तो मित्रों इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म सभी कवर कर लिए, जितने भी तथ्य थे तो क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी डिस्कस कर लिए। और इसी प्रकार और तथ्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर सेशन पसंद आए सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।